स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 1947 में लिखी गई कविता। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए उस समय की कविता है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। इनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकिया भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे।